हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम आज वीडियो में आरआरबी स्टाफ नर्स के जो एप्लीकेशन आपने फॉर्म भरे थे उनका स्टेटस जानेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है या फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट हो चुका है, उसकी स्टेटस अपन स्थिति देखेंगे किस प्रकार से वो है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ ज़रूर बने रहें। कैसे आपको चेक करना है सारी डिटेल बताएंगे इस वीडियो में। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन आ रहा है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हमारे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आरआरबी स्टाफ नर्स के जो है एप्लीकेशन फॉर्म है किस तरीके से आपको चेक करना है, हर रीजन वाइज मैं जो लिंक है उनका डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। तो वहाँ जाके आप उस पर क्लिक करके आपके हर रीजन, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, अजमेर रीजन है, हर प्रकार के अलग अलग रीजन वाइज आप वहाँ पर आपका एप्लीकेशन वो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। तो मैं एक एप्लीकेशन स्टेटस आपको बताऊँगा किस प्रकार से चेक करना है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली आपको आपके फ़ोन के गूगल में जाना है। तो वहाँ पे अभी जो लिंक दे रखा है मैंने, तो उस प्रकार से उसमें लिंक है वो पेस्ट करना है। जैसे लिंक को पेस्ट करेंगे तो अपन क्लिक करेंगे नेक्स्ट। तो एक मिनट, अभी नेट, जैसे अपन जो है अपना लिंक है, तो फ्रेंड्स उस लिंक को जैसे अपन करेंगे तो इस प्रकार का अपने सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपन को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे उस टाइम वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और अपन को जो कैप्चा कोड है एंटर करना है। लॉगिन करेंगे तो अपना यदि फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो उसका रीज़न भी इसमें दे रखा होगा कि किस वजह से आपको फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। बाकी आपको यदि फॉर्म सक्सेसफुली है तो इसमें सक्सेसफुली बता देगा। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी एप्लीकेशन स्टेटस है वो जान सकेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।